हे फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकार स्टूडियोस। दिस इज रणवीर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही जानकारी वाली बात। आपने देखा है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, तो जिससे कि काफ़ी लोग बीमार हो जाते हैं और वैसे भी लोग सेफ्टी के लिए अपना टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि अपना टेम्परेचर थर्मामीटर ऐसे उठा के ऑन जब उसको यूज़ करने लगते हैं तो उसका जो वैल्यू होती है वो 30, 37, 35 ऐसे कुछ दिखा रहा होता है। बट जो कि हम चेक करते हैं बुखार वगैरह तो वो 98, 100 ऐसा कुछ होता है। तो हमें लगता है कि ये हमारा थर्मामीटर ख़राब हो गया, तो हम नया थर्मामीटर लेने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मेरे पास दो अलग अलग कंपनीज के थर्मामीटर हैं, बहुत ही आसानी से आपको भी ये किसी भी केमिस्ट की शॉप से मिल जाते हैं। डिजिटल थर्मामीटर्स बोलते हैं इनको, आपको पता ही होगा, काफ़ी लोगों को यूज़ करते होंगे। बट कुछ लोगों को कई बार दिक्कत आती है तो उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपका थर्मामीटर गलत वैल्यू बता रहा है, जैसे कि 30, 35 बता रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि आपको बुखार है या नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करना है, कोई भी थर्मामीटर लीजिए, उसको ये जब ऑफ हो, अगर ऑफ नहीं हो तो उसको ऑफ कर लो। ऑफ करने के लिए, अगर ऑन करने के बाद देखिए, सिंपली जैसे ऑन है, ये गलत दिखा रहा है, इसको पहले ऑफ कर लो। फिर ऑफ करने के बाद ये बटन है वो, इसको दबा के रखो। तो भी आप देख रहे हो कि ये डिग्री सी लिखा हुआ था, अभी डिग्री एफ आ गया है। तो एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट। इसे सिलेक्ट करके छोड़ दो, तो अभी आप देखोगे आपका थर्मामीटर बिल्कुल सही हो गया है। 90 के ऊपर की वैल्यू, 90 के ऊपर की वैल्यू दिखा रहा है। इसका मतलब है कि आपका अभी टेम्परेचर की यूनिट सेटिंग है वो सही हो गई है। दोबारा भी देखोगे आप, फिर से ये वही 90 के ऊपर वैल्यू दिखाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। ऐसा ही दूसरे थर्मोमीटर में भी है, उसमें भी दिखा देता हूँ आपको। पहले इसको ऑन कर लेते हैं एक बारी, देखिए इसमें भी 30 के आसपास दिखा रहा है, तो ये भी गलत हो रखा है। इसको मैं ऑफ करता हूँ। सेम किसी भी मेरे को लगता है ज़्यादातर थर्मोमीटर्स में ऐसा ही सेटिंग होता है, तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो। आप उसको ऑफ करो, उसके बाद ये बटन को दबा के रखो। अगर वहाँ पे सी लिखा आ रहा है तो जब तक वो एफ नहीं होता तो आप उसको दबा के रखो, फिर एफ आने के बाद छोड़ दो। तो देखिए ये भी बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं इसको फिर से बंद करके भी दिखा देता हूँ आपको, तो ये ठीक हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपना थर्मामीटर अपने घर पर ही सही कर सकते हो। ये देखो ये भी बिल्कुल सही है अभी। तो आप इस तरह से सही कर सकते हो। एक्चुअल में ये क्या होता है कि टेम्परेचर को दो तरह से हम मेजर कर सकते हैं, एक फ़ारेनहाइट में, एक सेल्सियस में। सेल्सियस में आप जानते होगे, बट ज़्यादातर जो हम मेडिसिन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं हम फ़ारेनहाइट में करते हैं। तो इसलिए कभी कभी ये थर्मामीटर ऐसे सेल्सियस में सेट हो जाता है, तो उसको हम फिर से फ़ारेनहाइट में सेट करके यूज़ कर सकते हैं और हमें पता लग जाएगा हमें बुखार है या नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी मेरे चैनल पे, तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।